देना, अगली बार हम बड़ा प्रैंक सोचेंगे, तो अभी के लिए मिलते हैं। What's up everybody, it's about Chokun, welcome back to our YouTube channel। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज करने वाले बहुत ही खतरनाक प्रैंक। मैं 110% गारंटी देता हूँ कि अगर इस प्रैंक में आपको मज़ा ना आए ना, तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके जाना, गारंटी देता हूँ भाई, इसमें मज़ा आएगा ही आएगा। तो होने क्या वाला है, देखो आज मैं करूँगा प्रपोज, और बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रपोज करूँगा कि उसको लगेगा ही नहीं ये प्रैंक है। तो उससे पहले मैं नहा के आता हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है। तो मैं हो गया रेडी, मैं कुछ इस तरीके का दिख रहा हूँ, ये मेरे को बहुत सही लगा। तो मेन चीज़ भाई, जल्दी से चलते हैं, हमें वहाँ जाना, वहाँ से कुछ सामान भी खरीदना है ताकि प्रैंक बहुत रियल लगे ब्रो। तो अभय को मैंने जल्दी से बुला लिया, तो चलते हैं फटाक से एकदम। तो अभी हम नोएडा के जयपुरिया में, अभय पीछे गुब्बारे के बारे में पूछने के लिए गया है, अगर मिलता है तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी, और थोड़े रिंग विंग भी लेंगे भाई, बिल्कुल रियल लगना चाहिए। और इतने दिनों से भाई ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि तबीयत सबकी ख़राब थी, आपको आवाज़ देख के पता चल रहा होगा। तो चलते हैं, क्या हुआ भाई, हमारे यहाँ ना एक मिलता है 20 रुपये का, 10 रुपये का, ऐसे भर के देता है। हाँ, 80 रुपये का एक 80 रुपये का आराम से भाई, ये तो सही में एक गुब्बारा सस्ता करने में भी 70 रुपये में दे रहा है, तो 10 ले लेंगे मैं 700 रुपये। इतने का बजट नहीं है हमारा प्रैंक का, इतना तो आता भी नहीं है यूट्यूब से, जितना चला जाएगा। सोचते हैं कुछ तगड़ा, कि स्कैनर लगा देते हैं भाई, पेटीएम कर देना, अगली बार हम बड़ा प्रैंक सोचेंगे, तो अभी के लिए मिलते हैं। तो अब हमने सोच लिया अपना प्लान चेंज करने का, तो अब हम जा रहे हैं घर में, ठीक है, अपने फ्लैट में जाएंगे, वहाँ पे कुछ डेकोरेट करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सामान लेना है, वो सब लेके फटाक से हम चलते हैं अपने रूम पे। और एक चीज़ और, इस बार हमने उसके एक दोस्त को भी ऐड कर लिया, तो वही उसके साथ ही आएगी, या उसको हम जो भी करेंगे देख लेंगे। तो भाई फिलहाल के लिए प्लान हो चुका है चेंज, तो अब हम एमा के छत पे नहीं, अब जाएंगे हम अपने फ्लैट पे। तो चलो, तो हमने ये वाला फूल ले लिया है क्योंकि कोई काम तो है नहीं, तो यही लेके घर चल ले अब। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने फ्लैट पे, और ये उसकी दोस्त है, अगर किसी को याद हो ये कौन है, ये हिकी वाले प्रैंक में मेरे साथ थी। ये हमारा गुलाब, इनको इग्नोर करो, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे पंखे में, जो बहुत ज्यादा गंदा है, ये सेम इसकी शक्ल जैसा गंदा क्यों लग रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर सजाते हैं, चल मैं तेरे ऊपर चढ़ू या मैं तेरे ऊपर चढ़ू। सो गाइस ये स्ट्रगल बिहाइंड द सीन, ये सोच रहा हूं एक तो ये पंखा इतना गंदा है, रुक जा, सेम इसकी शक्ल, ऊपर आके खोल लियो ना, और सांड में शक्ल भी, हां बिल्कुल ऐसी शक्ल है इस पंखे की, अबे ठीक हो, सांस आ रही है भाई, पूरा 1.5 महीना जिम किया है, ठीक है, बर्बाद नहीं जा रहा है। गाइस ये रहा जिम का सर, देख सकते हैं ये जिम का सर, ठीक है। तो अब इसको ना क्या करते हैं, देखो भाई मेरे को चक्कर आ रहे हैं, इसको क्या करते हैं, ऐसे करके ना फूल को ऐसे से रख देते हैं, ओवरएक्टिंग गाइस, सी 50 रुपए काटे इसको, ओवरएक्टिंग है, चक्कर आ रहे हैं। चलो डन, ये हटाइए सब, हटा दिया। ओहो, काश इतना मैं उसके लिए असलियत में भी करता, खुश हो जाती है ना। अब यहाँ पे होगी एक डायमंड की रिंग, अभी दिखाऊंगा वो। तू रिंग मिला है मेरे? अच्छा, वो तो नकली, तो मेरे को पता है डायमंड की रिंग। वो यार सही लग रहा है, सही लग रहा है। इसको हमने इसीलिए बुलाया है ताकि ये, तू उसको ये बताइयो कि इस चीज की प्लानिंग ना हम बहुत टाइम से कर रहे थे, 5-6 महीनों से। हाँ, तेरे को बताया था मैंने ये सब, ठीक है, ये तुझे बोलना है, तभी उसको बहुत ज्यादा रियल लगेगा, ठीक है। तो अभी हम अपना रिंग लाते हैं और फिर उसको फोन करके जल्दी से बुलाते हैं, चलो। तो कुछ इस तरीके का अभी ये लग रहा है, और ये है देखो वो रिंग, ठीक है, अच्छे से एक बार देख लो। और ये हमारा रूम, मतलब जब एंट्री होगी तो भाई मज़ा तो आएगा, ठीक है, फील आएगा। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो बस अभी उसने उसको कॉल कर दिया, थोड़ी बहुत देर में आएगी, उसके बाद होगा अनंत प्रैंक। तो सब कुछ सेटअप हमारा हो चुका है, एमा भी नीचे पहुंच चुकी है, अपनी स्कूटी लगा रही है, ठीक है। तो ये जाएगी उसको लेने के लिए, और आंख बंद करके रखी, ठीक है, और इसका रिकॉर्डिंग कर दे ऑन, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे।
बहुत बढ़िया हो चुका है, तो जानी चीज है, जल्दी चल मैं जाती हूं। हम वेट करते हैं। हाथ पर हाथ से बस 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 रेडी स्टेडी एंड गो देख ये बात है पक्का बंद कर दो एक मिनट में ठीक है। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो कि इसको मैंने बहुत टाइम से बता रखा था कि हम ऐसा प्लान करेंगे, तो मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ तेरे से। हम मेरे को पता है हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत टाइम हो गया मैं बेस्ट फ्रेंड होते होते, पर अब मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स ही आने लगी, तो मैं फाइनली कहता हूँ कि मेरे को एक्सेप्ट करेगी। ये है? अरे मतलब ठीक है, तो तुम पागल हो ना। मेरे दिल में बहुत टाइम से था फीलिंग, तो मैंने कह लिया मेरे हिसाब से मैं अभी इस चीज के राजी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। हाँ तो तू थोड़ा टाइम दे ले, सोच ले, ये क्या बोल रहा है जब से नहीं 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 कर पाऊंगी। मैं ये नहीं कह रहा अभी, कह रहा ये सही मौका दे तो मेरा रिकॉर्ड विकॉर्ड क्यों कर रहे हो फिर यार, तो तेरे लिए सरप्राइज है यार, इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मतलब मैं क्या हूँ, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सोच ले उसके बाद बोल दियो। नहीं यार अभी ये नहीं, फिर भी यार, फिर यार एक सेकंड कैमरा मुड़ गया, मेरे को कुछ बात नॉर्मल ठीक है भाई बंद। तुम खुद समझो ना कि मैं इसी इसके लिए मेरे बाद में चिल्ला तू रिकॉर्ड कर रहा है, देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो उसके ऊपर प्रैंक करने आया था, मैं तो दिल की बात भी कहती तू बंद रख ठीक। मैं बंद नहीं रखने वाला। अरे तुम पागल हो क्या, वो सब कर रहे हो? मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। इस चीज का ब्लॉग क्यों कर रहे हो? ब्लॉग कहाँ कर रहा हूँ? ब्लॉग कहाँ कर रहा हूँ? नहीं ना फिर किचो को तुम समझाओ। देखो जो था ठीक है, मैं नहीं कर सकती, बस मैं इतना बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे की चीजें खराब है वो हमारी। इसको पूछ, इसको पूछ। तो वो ये चीज की हमारी चीजें बिगड़ जाएगी, बात हो चुकी है आपको भी पता है। नहीं सही है ना ये सब चीजें, तुम खुद सोचो कि यार तुम्हारे घर वालों मेरे घर वालों को भी क्लियर रहना चाहिए। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि कि मान अगर हम बेस्ट फ्रेंड थे इतने टाइम से, तो अब अगर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं मैं नहीं, तुम कुछ मैं बार बार नहीं बोलूंगी चोको क्योंकि चीजें खराब हो जाएगी हमारे पीछे। समझा भाई कुछ इसको, समझा समझ तो से पता है इसकी प्लानिंग कैसी थी, बड़ी डिटेल। मैं तेरे से बीच में नहीं मिली, थोड़ा सा मेरे से सरप्राइज के चक्कर में आज भी स्पेशली आई थी। अरे यार सॉरी, बुरा मत मानो। छह सात महीने में ये छोटी प्लानिंग से ले जैसे प्लान किया जाए तुझे, वो तो मेरा क्या मना कर रही है, सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा तो है, तो तुम सैड अरे कुछ गलत थोड़ी ना, साथ ही तो रहे हम लोग, कौन से कुछ अलग थोड़ी ना हो जाएंगे हम। बस तुमने ये चीज अच्छी नहीं करी, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी। उसने इतना प्यार से एक्सप्रेस कर अपना फीलिंग होगी। देखो हमारे बीच मैं नहीं चाहती कि ये चीज आए रिलेशनशिप का। अरे यार मत करो ना ऐसे, आप तुम समझो ना खुद है, तुमको बता रहा मैं क्या बोलूं।
बहुत तगड़ी हंसी आ रही थी और आया ना, मैंने क्या कहा था अगर ये वाला प्रैंक होगा तो बहुत खतरनाक मजा आएगा, तुम लोग के साथ हुआ है प्रैंक, कैसा लगा आपको? क्यों करूं प्रैंक थोड़ी देर के लिए सदमे में डाला थी ना, लेकिन सजावट कितना बढ़िया कर दिया यार हमने रूम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो खुश हो जाएगा तेरे ऊपर प्रैंक नहीं करा। हाँ खुश हो गया मुझे बता कर प्रैंक करा, मैं उसमें खुश हूँ। गाइस वही है, आप देखो अगर ऐसे प्रैंक और चाहिए तो कमेंट कर देना, मजा आएगा सब्सक्राइब भी करो। देखेंगे वो बड़ी बड़ी आंखें खोलेंगे जी बाबा हमको।